हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता कि वर्तमान समय में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम चल रही है, तो आज उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी और साइंस का पेपर था, जिसमें मैं अभी हिंदी के आंसर की लेके आया हूँ। हालांकि खबरें आ रही है कि हिंदी का पेपर आउट हो चुका था, तो भी उस पेपर को आरपीएससी दोबारा से रिकंडक्ट करवाता है या नहीं वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आरपीएससी ने कंफर्म किया है कि वो उस आरपीएससी ने अभी तक पेपर को आउट नहीं माना है। आरपीएससी इसकी जांच करवाएगा, अगर आरपीएससी को लगेगा कि सच में पेपर आउट था तो फिर पेपर दोबारा से करवाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के लक्ष्य की आंसर की लेके आया हूँ, लक्ष्य और परिष्कार की, और थोड़ी देर में मैं उत्कर्ष की आंसर की भी मैं डालने वाला हूँ। इसके बाद में तीनों आंसर की में कौन कौन से आंसर अलग अलग है उनका भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी मैं डालने वाला हूं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन उन सबको मिल जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले लक्ष्य की हिंदी की आंसर की। इनमें से किस विकल्प में चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? चंचल बिजली, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कुलांगार, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है मलयुद्ध, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है हितेशी प्रशस्त, किस विकल्प में विलोम युग्म है सूरति वीरति, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंक से संबंध नहीं है पंचक, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है नक्टा, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ भारतीय, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है यायावर, रजु शब्द का पर्यायवाची शब्द है सीधा, सघन का विलोम शब्द है विरल, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है योगी प्लस इस योगेश, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है अनुपयोगी अनुदात, इनमें से किस अशुद्ध वाक्य में भरमर पुष्पों के परागों को चूसता है अत्यधिक उत्साहना के लिए सही मुहावरा है खून खोलना, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है तंदुरुस्त, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। ये जो प्रश्न संख्या 18 से 21 तक के लिए पद्यांतरण के आधार पर उत्तर दीजिए। सारा जीवन नप चुका है कहे जो वह दास्ता प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुज की मेगा का संगारक है, जो कहे सोच मत सवे बात जो कहूँ मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराती पर बल उसको, नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता कंदरे अविचारी है, बेड़िया बुद्धियों को जो देता जुल्मी है अत्याचारी है। ये पद्यावतरण है, इसके हिसाब से आंसर देने हैं। दास्ता का प्रचारक कौन है? वे मनुष्य फैलाने वाला। स्वतंत्रता की उपमा किसे दी गई? मणि। अराती शत्रु शब्द का अर्थ है शत्रु। उक्त पद्यावरण का केंद्रीय भाव है सोचने विचारने की स्वतंत्रता। भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य है सास की लाल फिताशाही घूसखोरी और क्रूरता। युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है? संबोधन। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी भाषा। अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। लोक संत दादूदवाल पाठ के अनुसार दादूदवाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दादू पंत की। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकाकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया, लक्ष्य वालों ने। 28वां, विश्व प्रिया अमृत दिया निमंत किस चरित्रात्मकता के व्यक्तित्व एवं कर्तित्व को उद्घाटित करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक अद्भुत अपूर्व सौपन निमंत में किस विषय का वर्णन किया गया? नाम और यश की लालसा का। ईदगाह शब्द की कहानी का केंद्रीय पात्र है हामिद। दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है पन्ना। पूजन काव्यांश सम्मानारायण पांडे की किस रचना से उद्भूत है? हल्दीघाटी। राजिया रा सोरटा से राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के सेवक के लिए। और आज ओब्लिक ऊपर ही उपतन गए हैं ओब्लिक तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल,
इस काव्यांश में तंबू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादलों के लिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिवनी पान, कवि रहीम पर काज हित संपत्ति सूचि ही सुजान, इस दोहे में नीत भाव है परोपकार भाव। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है हिम्मत रंगिनी। एटम बम कहानी के रचनाकार है अमृतलाल नागर। धरती धोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना की गई सरोवर से। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? सायों में धूप। ताही अहिर की शोरिया सस्या बरसास पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारों पे नाचते, इसका भाव है गोपियों का निश्चल प्रेम। पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? प्राण दंड। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन के बचाने वाला है आनंदी। कनक कनक रे ते सो गुनी मादकता दिखाई, उई खाए बोराई जग इही पाए बोराई, उपदोहे का भी प्रेम अर्थ है धन दौलत पाने से मात्र आदमी बावला हो जाता है। बाऊजी चतुर सिंह का संबंध किस राज परिवार से है? मेवाड़ से। सुमित्रा नंद पंत ने संध्या की तुलना में किससे की है? सुंदर नारी से। दूत जरो जगत के जीर्ण प्रण का व्यक्ति में जीर्ण प्रण से क्या अभिप्राय है? सड़ी गली परंपराए। मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? इनमें संयोग श्रृंगार का विशुद्ध वर्णन है। विशेषण से निर्मित भावात्मक भाववाचक संज्ञा है भव्यता। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? आप गांव से कब आए? निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है नवीनता। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? अधिकाधिक। निम्नलिखित में देश शब्द है लड्डू। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए, इसमें भय और दया आएगा, सौंदर्य और कल्पना। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? स। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? घर्त व नवनीत। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के है? मकान दरवाजा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त स्वर। निम्नांकित में माँ प्राण वर्ण शब्द है स। मौन के दोस्त ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है मौन के दोस्त। इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? प्रत्यारोप कर्मधारय समास। इनमें से किस सामाजिक पद का विग्रह सही नहीं है? उत्तरोत्तर। उत्तर में उत्तर। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है ताकि। निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य है यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। निम्नांकित में प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है भूलना। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है अनगिनत। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? वह तो पढ़ाई करेगा। इनमें से किस वाक्य की विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है नाचना। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथात्मक है? बिसल देवरासो। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित है? वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभव का द्योतक है? कटाक्षपात। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणादाय रोए, पानी प्रात को हास सुयो नहीं नैनन के जल सो पग दोवे। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव है दीन दशा। खून भीती पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितरे, उक्त वाक्य कवि पंक्ति में इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। निम्न में से किस विकल्प में अलंकार और तत्सम शब्दी उदाहरण सुमेलित नहीं है? भ्रांतिमान। सोरटा संध के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मात्रिक विषम संध है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस वक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? दुष्कर्मतु। पागल सी प्रभु के साथ सभा में चिल्लाई, सो बार धन्य व एक लाल की माई, उक्त काव्य पंक्ति में उब्बे द सभा। इनमें से किस रचना 2017 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जिंदगी नामा। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विवादाक्षक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए?
गिलक्राइस्ट। इनमें से किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की है? ब्रजभाषा खड़ी बोली। रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? अमरकांत कितने पाकिस्तान। कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश। कवि कुलंट रावण के रचनाकार है दुल है। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन शुद्धा किस वर्ष में आरंभ हुई? 1868 में। इनमें से किस रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? राम नरेश त्रिपाठी विष्णुप्रिया। निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना। इनमें से किस विकल्प में कर्ती और कर्तिकार सुमेलित नहीं है? कबीर परचय रैदास। क्यों उच्छ्वास बोल सिर्फ से पार्थ में जाता पितामह पास हूँ कुरुक्षेत्र में उल्लेखित यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। अजो तरमोना हीर हियो सुरती सेवक इकरंग ताक दास बेहरी लक्ष्मो बलि मकुर्तन के संग। उगदोए में कवि का विपरीत है सत्संग का महत्व बताना। बिकम वर्षा बीतिया गुणसी चंद गुणीस बीसहर तिथि गुरु जेठ यदि समय पलती। शीश वीर सतसई के उक्त संद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर इंगित किया गया है? विक्रम संवत 1914 की सैन्य क्रांति। सुगन ही अगुन ही नहीं कहू वेदा गांव ही मुनि पुराण बुधवेदा यह कथन किसका है? शिव जी का। पूरन ब्रह्मा सकल अविनाशी ताके तुम हो गया तारेख न रूप जाते ही कुल नाही जाके नहु पितु नहु माता ये प्रक्रिया किसकी है? कर्षण ने उद्भव से। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुगाओ लुभाऊ इस पंक्ति में किस भाव को व्यक्त किया हुआ है? माधुर्य भाव। जाज प्रियवर्षन ने बड़ी खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? वर्नाकुलर हिंदुस्तानी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? बघेली। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराशमन स्थिति का कारण है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में अभिगर्मित अनुदेशक विधि। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है वाचन विधि। मैं पाथा बन गया हूँ करो जर्मन का बादशाह का तर्पण उस किसने कहा था? वजीरा सिंह। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य पारदर्शी दाम्पत्य संबंधों का विघटन। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अंकों को दर्शियों में विभाजित करना। तू करता भैया मुझ में रह न तू बारी फेरी बजी गई जीत देखू तू। उक्त साकी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इन पे क्या प्रभाव पड़ा? अहम का भाव का तिरोभाव। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है? मेरा किस काम में मन नहीं लगता। कर्त करते हुआ मैं ताराए पधारे आप असाध्य वीणा में यह कथन किसका है? राजा का। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निर्बंध में सच्चा उत्साह किसे माना? कर्म सौंदर्य के उपासक को। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता? आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। दो नंबर शिक्षण की समायोधि तय नहीं करे। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है व्याकरण अनुवाद विधि। जो विधि सहायक कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता की स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है समवाय शिक्षण विधि। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषीय वातावरण में बनाने पर अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि। श्रुत लेखक अभ्यास विधि का उद्देश्य है ये सभी। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो दल शिक्षण विधि। सौगति सौमूल्यांकन प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है अनुलेखन। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण उनमें से हो सकता है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रत्यय लागू दोनों।
विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा। आगमन विधि की विशेषता नहीं है, सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की बढ़ती दिखाई पड़ती है। इन मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी। कहाँ शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक है, भाषा शिक्षण विधि। कार्ड पर लिखे शब्दों का के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, जिस विधि में साश्चर्य विधि। वाक्य रचना व उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा। दर्वे सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, शाब्दिकता में कभी करते हैं। पंतवरंत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ, सतत विलासनी। किरण देनुए कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह क्या करता है, अंधकार। बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृत कांग नहीं है, भौतिकवादी विचारधारा। द्विवेदी जी ने शीर्ष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है, संसार की परिवर्तनशीलता। पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील की शहर है उदयपुर, यहाँ पिशोला है। 30 कोटि संतान नम्रतन अर्थ सुदृत सोशिस्कार, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, भारत माता पंत की कविता। मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्तित्व जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है, छात्रावस्था में। निर्वासित कहानी के रचयिता है सूर्यबाला। भोर का तारा एकाकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है, स्कंदगुप्त। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र किस सद्दम बेस में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे, मौलवी। अग्नि की उड़ान किस गद्य विद्या की रचना है, आत्मकथा। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है, आदर्शों यथार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे एक नंबर, इस अन्य अर्थ का वाचार से कोई संबंध नहीं है। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुणाधारित माना, वामन ने। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, माधुर्य गुण में डठट से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैनेन्द्र कर्त बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया, आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है, तोलिए। मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है, गोस्वामी तुलसीदास। इंद्र जिम जीव जिम जम्ब पर बाड़ाऊ जो अम्ब पर, काव्य पंक्ति के रचनाकार है भूषण। आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, सुख दुख में दोनों मस्त रहने को। मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। श्रीधर पराडकर के अनुसार भारत की महाशक्ति बनने में के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। गाय करुणा की कविता है मेरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको उत्कर्ष के आंसर की देखनी है तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।